हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर लेके आ चुका हूँ एक धमाकेदार वीडियो। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है और आप सभी लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन दैट इज कॉल्ड पेटीएम पोस्टपेड का आपने बिल नहीं जमा किया तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी जानकारी के लिए आप मेरा प्रीवियस का वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर आपको यहाँ पे या इधर की तरफ में आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप कंप्लीट डिटेल में उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पोस्टपेड यानी पेटीएम पोस्टपेड को अगर आपने जमा नहीं किया उसका पैसा, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पेटीएम पोस्टपेड कैसे अप्लाई करते हैं और आपका जब बिल मतलब पेटीएम पोस्टपेड में आपका ड्यू रह जाता है तो उसको कैसे डिपॉजिट करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो गाइस, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेट मिलेगा और भी नए नए वीडियोज बनाने के लिए। तो गाइस, फटाफट से आपको बिना किसी देरी के शॉर्ट वे में समझाऊंगा पेटीएम पोस्टपेड क्या होता है, मतलब पेटीएम से आप कैसे उधार पैसे ले सकते हो एंड साथ में उस पैसे को कैसे चुका सकते हो, इसी वीडियो में हम ये चीजें जानेंगे। तो फटाफट से आगे मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे बता देता हूँ किस तरीके से आपको पेटीएम पोस्टपेड जो है उसमें क्रेडिट लिमिट मिलेगी, तो उसको कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, साथ में आप अपना जो पैसा है वो वापस से कैसे डिपॉजिट कर सकते हो ताकि आपको आगे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, पेटीएम पोस्टपेड का जो पैसा है वो आपको हर महीने की कोई ना कोई जो डेट होती है वो फिक्स डेट होती है, उस पर आपको जमा करा देना होता है। उसमें डेट आपको मेंशन लिखा हुआ है, इतने तारीख तक अगर आप पैसे जमा करा दोगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको इतना परसेंट वगैरह वगैरह ये सारी चीजें चार्जिंग चार्जेबल होगा। तो फटाफट से यार मोबाइल स्क्रीन पर देख लेते हैं बिना किसी टाइम गवाए, तो फटाफट से आप मोबाइल स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आपको क्या करना है। सो गाइस, यहाँ पे मैं पेटीएम ऐप के अंदर आ चुका हूँ और पेटीएम ऐप में अगर आपको पोस्टपेड वाला ऑप्शन नजर नहीं आता तो सबसे पहले आपको अपनी पेटीएम ऐप को कर लेना है अपडेट, और अपडेट के बाद आपको पोस्टपेड वाला सेक्शन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ मैं बात करूँ तो पेटीएम पोस्टपेड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर मैं टैप करता हूँ तो अभी आप अगर देखेंगे तो भैया मेरी जो पोस्टपेड की लिमिट है 500 रुपये पर मंथ, जिस अकाउंट से मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है। अब आप बात करते हैं पोस्टपेड वाले जो पैसे हैं आपको किस तरीके से यूज कर सकते हो। सिंपली मैं जाता हूँ एक मोबाइल रिचार्ज वाले सेक्शन पे। अगर मैं बात करूँ तो भैया मैं पहले अपना बैलेंस चेक करा देता हूँ, पासबुक वाले सेक्शन पे मैं आ चुका हूँ एंड पासबुक वाले सेक्शन पे आने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है केवल 0.71 यानी कि 71 पैसे ही मेरे पेटीएम वॉलेट में पड़े हैं, बिकॉज मैंने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया दूसरे अकाउंट पे ताकि आप सभी लोगों को प्रॉपर वे में समझा सकूं। सिंपली मैं जाता हूं मोबाइल रिचार्ज पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, कुछ भी मूवी टिकट एक्स वाई जेड जो चीज़ें पेटीएम पे अवेलेबल हैं उनमें से आप चाहें तो 500 रुपये तक का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं, वॉट एवर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे स्पेशल भी दिया हुआ है। तो सिंपल सा मोबाइल प्रीपेड वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ, पोस्टपेड प्रीपेड इस पर भी करना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना एक मोबाइल नंबर, ठीक है, और मोबाइल नंबर पे मुझे 50 रुपये का रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करने के लिए देखिए, सिंपली मैं प्रोसीड वाले रिचार्ज वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो यार प्रोमो कोड डाल देना, बाकी मुझे लगता नहीं कोई प्रोमो कोड यहाँ पे मेरे पास वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे Grab50 जो प्रोमो कोड है वो डाल देता हूँ, 5 डाल के देख लेता हूँ नहीं काम करेगा तो भैया यहाँ फूड वाला प्रोमो कोड है ये डाल देता हूँ 50 रुपये का, मुझे ये भी नहीं काम कर रहा तो भैया छोड़ो कोई भी प्रोमो कोड नहीं डालना मुझे। सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक किया, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए मेरा जो वॉलेट का बैलेंस है वो 0.71 पैसे है, या मुझे बैंक अकाउंट से पे करना है, मेरा जो बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट से पे करना है, या मुझे यहाँ पोस्टपेड से पैसे देने हैं। तो सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पोस्टपेड वाले सेक्शन पे। जैसे ही मैं पोस्टपेड वाले सेक्शन पे जाता हूँ, मेरा जो पैसा है मेरे पेटीएम के जो पोस्टपेड वाला अकाउंट है उससे ये पैसा डिडक्ट हो जाएगा और मुझे यहाँ पर जो मेरा पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट, मतलब बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ, और मेरा जो पैसा है कुल मिला करके यहाँ पे मेरे पेटीएम का जो पोस्टपेड वाला सेक्शन है उससे ये जा चुका है और मेरा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अभी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे मैंने जियो का रिचार्ज किया था अपने किसी नंबर पे एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली अब मैं चलता हूँ यहाँ पोस्टपेड वाले सेक्शन पे। अब पोस्टपेड वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी जो लिमिट है अभी एट परसेंट वो 450 रुपये बाकी है, बट 50 रुपये की जो मैंने लिमिट है वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिए एज एक नंबर को रिचार्ज करने के लिए। अब अगर आप चाहते हो इस 50 रुपये को पे करना, देखिए अगर मैं नहीं पे करता हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे साथ क्या
नुकसान हो सकता है, इस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली आपका जो अकाउंट है वो भी बैन हो जाएगा। सारी चीजें देखने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। एंड सिंपली अब मैं चले जाता हूँ, इस 50 रुपए को मुझे वापस से चुकता करना है। बोले तो मैंने लोन लिया था उसको मुझे फुल एंड फाइनल करना है। वैसे तो अगर मैं नहीं करता हूँ तो भैया अमाउंट मेरे को जो है आप बाद में पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पे कर दोगे नहीं तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा चार्जेस वगैरह ये सारी चीजें, तो भैया हमको उधार जमता नहीं है, हम पे कर देते हैं। सिंपली पॉसिबल वाले बटन पे गया और ये बोल रहा है कि भैया आपको 50 रुपये कहाँ से पे करने हैं। देखिए 71 पैसे मेरे वॉलेट में पड़े हैं और बाकी जो 49 रुपीज़ हैं वो मैं अपने जो UPI ID है उससे यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना जो पासवर्ड है यहाँ पे मैंने डाल दिया, प्रॉपर वे में अपना जो पासवर्ड है यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये पासवर्ड डाला तो भैया जो मेरा पेटीएम पोस्टपेड का जो बिल है वो सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुका है। ऊपर मेरे पास मैसेज आ चुका है, पेटीएम ने रिसीव कर लिए मेरे पैसे। एंड अब चलता हूँ वापस है पोस्टपेड वाले सेक्शन पे, आप मुझे क्या देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे तो मेरी जो लिमिट है वो फिर से 500 कर दी गई है। तो आप इस लिमिट को यार अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो ही आप यूज कीजिएगा। सो गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से आपके जो भी डाउट है पेटीएम पोस्टपेड को लेकर के कैसे आप अप्लाई करना था, किस तरीके से आपको जमा करना था, क्या आपको अगर आप जमा नहीं करोगे तो उसके लिए मैंने प्रीवियस के वीडियो, मार नहीं करते हो तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने प्रीवियस का वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं यार आज का जो वीडियो है आप सभी लोग जरूर से एक लाइक कर दोगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, अभी कोई डाउट है पेटीएम पोस्टपेड के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से उसका रिप्लाई दूंगा। और मैं मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।